रजनी जी, स्वागत है आपका। हाँ जी मैम, हेलो। मेरी अभी पहले कॉल लगी थी, पहली बार मैंने बात करी थी आज अभी। तो सर मेरा एक सवाल रह गया है। मेरा सवाल ये है कि मैं नमक जतन भी ले रही हूँ तो पी केयर क्या कैसे लूँ फिर? और दूसरा बात ये है कि सर जो जैसे ये पिंडली की साइड है ना, इसमें थक्के जमे हुए क्लॉट्स जम गए हैं, तो उनके लिए मैंने पूछा था कि मेरे को क्लॉट्स जम गए हैं उसके लिए कोई दवाई बताओ। पी केयर बता रहे थे आप, तो पी केयर लूं या कोई और दवाई है कोई ऐसी? और मैं ठीक नमक जतन भी ले रही हूँ, मैं दो ठीक है टाइम मैम लेती हूँ सुबह शाम। जी। ये सवाल है मेरा। और दूसरा सवाल ये है मेरा सर कि ना मेरे हस्बैंड को प्री डायबिटीज ही है और उनकी 58 साल उम्र है, उनकी 58 साल उम्र है, तो उनके लिए कोई दवाई बता दीजिए। ठीक है मैम। ठीक है सर? ठीक है सर मैम, थैंक यू। मेरा ये अच्छा बेटा, देखो आपने मुझसे ये कहा था कि मुझे दवाई बता दीजिए, नुस्खा मैं नहीं दे सकती, इसलिए मैंने आपको दवाई बताई, नहीं तो मैं कभी दवाई नहीं बताता किसी को। और हालांकि दवाइयाँ बनाते हैं, बिकती हैं, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि प्रोडक्ट कुछ भी ना बताऊँ। मुझ में और दूसरों में यही फ़र्क है, मैं घरेलू नुस्खे बता देता हूँ। तो अगर आप नमक जैतून ले रही हैं तो पी केयर लेने की ज़रूरत नहीं है। अलसी के पाउडर के साथ लें, अलसी तो आप जानते हैं ना, उसको हल्का सा भून के पाउडर बना लें, उसके साथ लें तो पी केयर लेने की ज़रूरत आपको नहीं है। प्री डायबिटीज़ यानी डायबिटीज़ होने वाली है उसको कहते हैं। प्री डायबिटीज़ एक टेस्ट है जो गुज़िश्ता यानी पीछे के 3 महीने का बता देता है कि इनको कैसी डायबिटीज़ है और डायबिटीज़ होने वाली है। ऐसे लोग डायबिटीज से बच सकते हैं। एक तो कम से कम 1 घंटा पैदल चलें, एक साथ नहीं चल सकते तो आधा घंटा करके चलें, आधा घंटा करके भी नहीं चल सकते 15 15 मिनट करके 4 बार में 1 घंटा पैदल ज़रूर चलें। आप यकीन करें वो डायबिटीज से बच सकते हैं। दवा के तौर पर एक कैप्सूल डी केयर, डी फोर डायली डी केयर आप ले सकते हैं। ये डायबिटीज़ की एक अच्छी दवा आप कह सकते हैं। जी।